प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 3। इन दिस पार्ट वी विल इनिशिएट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इज। क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली सेज इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r, gravitational force between two objects were proportional to 1/r and not as 1/r². It means if gravitational force doesn't follow the inverse square rule and follow this rule where r is the separation between them, then the particle in the circular orbit under such force would have its initial speed v proportional to. Let's see the solution. बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो यूजुअली हम जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो जो कर रहा होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करके ये वाले लॉ को, इस वाले लॉ को, 1/r वाले लॉ को फॉलो करे। तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ पर पूछा गया है ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चों देखिए, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन यहाँ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए बच्चों, मान लेते हैं ये कोई मास है जो किसी कोई सैटेलाइट हो सकता है, किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फुलफिल किया जाता है। और अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फुलफिल किया जाता है तो हम लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स इन दी सेंस एम वी स्क्वायर अपान आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दी सेंस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता तो ये वाली दूरी यानी आर का स्क्वायर हम लिखते, लेकिन क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार 1/r के प्रोपोर्शनल दिखाया गया है, इसलिए यहाँ केवल क्या लिखेंगे, आर। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें, यहाँ यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो यहाँ पर बच्चों ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें एक चीज दिखा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी, व्हाट एवर जो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी होगी, वो यहाँ पर ऑर्बिट के रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से इसमें करेक्ट च्वाइस अगर ऑप्शन वाइज हम खोजेंगे तो ऑप्शन बी मिल रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सिमिलर बट सम चेंजेज आ रही है। बच्चों इसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ इंस्टेड ऑफ दिस। इट मींस यहां भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है बल्कि ये वाला लॉ फॉलो हो रहा है। देन रिलेशन बिटवीन The time period of satellite near the Earth surface and radius r will be, satellite ऐसा जो अर्थ के सरफेस के करीब हो और उसके टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन बनेगा अगर ये वाला रूल फॉलो ना हो के ये वाला रूल फॉलो हो रहा हो। लेट्स सी दी क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक कंप्लीट साइकिल का केस अगर देखें तो कंप्लीट साइकिल के लिए होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कंप्लीट साइकिल का होगा 2πr, स्पीड होगा ऑर्बिटल स्पीड के बराबर, और टाइम जो लगेगा एक पूरे साइकिल में वो टाइम पीरियड के बराबर लगेगा। बच्चों यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर यहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम सबको याद रहता, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, सीधे सीधे हम लोग लिखते ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होता। लेकिन बच्चों यहाँ इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ के अंदर बच्चों जो सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है हमें पता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलने वाला है, लेकिन इसमें चेंज ये होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के में आर स्क्वायर ना लिखकर हम आर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही सिचुएशन दिया गया है। और इस प्रकार से ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अगर आर और एक आर यहां से कैंसिल कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सब कुछ मिला जुला कर मुझे इतना मिल रहा है। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। इतना करने के बाद जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, बच्चों ध्यान रहे ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है
सॉरी यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इसमें स्क्वायर रूट यहीं तक है, ये आर स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है। अब यहाँ के अंदर बच्चों देखिए ध्यान से, ये पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोगों को अल्टीमेटली जो यहाँ आंसर मिलेगा वो मिलेगा टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और इस तरह से ऑप्शन वाइज अगर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ के अंदर करेक्ट जाएगा। आप ऊपर जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये वाला सिचुएशन हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज एन इजी क्वेश्चन। इसमें बच्चों हमसे ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट के ऊपर कौन सी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी, और यहाँ ए बी सी डी चार ऑप्शन है। बच्चों हमें पता है कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। देन वी कैन राइट डाउन हियर, यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसका मतलब टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब विल बी कांस्टेंट, यानी टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का जो टर्म होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ पर नियत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका सही जो जवाब होगा बच्चों वो सही जवाब हमें मिल रहा ऑप्शन डी से, करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर जाएगा ऑप्शन डी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 सेज एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास यम रिवॉल्व्स इन एंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आर। अर्थ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट इज गिवन बाय। बच्चों यहाँ एक सिंपल सी बात कही गई है कि कोई एक सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का मास यम है और ये सैटेलाइट अर्थ का है, और अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट एच दिया हुआ है, और यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ और अर्थ का रेडियस जो दिया गया है वो ये आर दिया गया है। कहा गया है जी अगर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर हो तो यहाँ सैटेलाइट की वेलासिटी बता या ऑर्बिटल वेलासिटी यहाँ पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बच्चों, अगर हम ऑर्बिटल वेलासिटी की खोज में जाएं तो बाई फार्मूला ये हमारा प्लेनेट अर्थ हुआ और ये सैटेलाइट हुआ, उसके चारों तरफ ये बच्चों रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ के अंदर बाई फार्मूला नॉर्मल सिचुएशन में जो ऑर्बिटल वेलासिटी आएगा उसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ के अंदर बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम जी एम ई की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर रख दें तो बच्चों हमें ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच। और इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट चॉइस। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज, लेट्स चेक, क्वेश्चन नंबर 18 सेज ये सैटेलाइट ऑफ मास यम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विच मास इज कैपिटल यम। अर्थ का मास बच्चों कैपिटल यम है और कोई सैटेलाइट है अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, यानी ऑर्बिट जो होगा उसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। मैकेनिकल इनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये वेल नोन फैक्ट है कि सैटेलाइट के पास जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है वो कुछ इतना आता है, यहाँ पर बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा होता है बाई फार्मूला कुछ इतना होता है पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का दो गुना टू टाइम्स होता है बट निगेटिव होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों यहाँ पर अगर हम जोड़ने जाएं तो दोनों को मिलाकर यहाँ के अंदर हमको मिलता है माइनस ऑफ जी कैपिटल यम स्मॉल यम डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ आर। और इस तरह से बच्चों अगर ऑप्शन वाइज मैं चेक करूँ तो ऑप्शन डी वी विल गेट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सॉरी लेट्स सी अगेन
two satellites of mass M1, M2, where M1 is greater than M2, are revolving around the Earth in circular orbit of radius R1 and R2. R1 is greater than R2 respectively. Which of the following statements is true regarding their speed V1 and V2? बच्चों यहाँ के अंदर हमें पता है MVR सैटेलाइट का जब मोशन होता है तो उसके अंदर MVR एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है, मास तो हटा दीजिए, कंपेयर जब करेंगे MV1R1 इक्वल टू MV2R2 दो अलग अलग पोजीशन में, तो बच्चों यहाँ के अंदर M तो कैंसिल हो जाता, V1R1 इक्वल टू V2R2, बच्चों इसका मतलब V इंटू R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो जहाँ पे एक सीधी सी बात यहाँ निकल के आती है, जहाँ के अंदर बच्चों V कम होगा वहाँ R की वैल्यू ज़्यादा होगी, या उल्टा कहिए जहाँ R की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ वेलासिटी कम होगा, जहाँ R की वैल्यू कम होगी वहाँ वेलासिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिहाज से अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब खोजने के लिए जाऊँ, देखिए सोल्यूशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, इसको देखिए उसी हिसाब से मैंने लिखा है, बच्चों ऑर्बिटल वेलासिटी बाई फार्मूला कुछ इतना होता है, और यहाँ के अंदर हमें ये पता है अगर बाई फार्मूला ऑर्बिटल वेलासिटी इतना आना है, तो बच्चों यहाँ के अंदर ऑर्बिटल वेलासिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में आर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 ग्रेटर देन R2 एंड दैट इज वाई ऑर्बिटल वेलासिटी इन फर्स्ट केस विल बी ग्रेट लेस देन ऑर्बिटल वेलासिटी इन द सेकेंड केस, इसका उल्टा ऑर्डर यहाँ पर आएगा, और इस लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी और द करेक्ट आंसर। नाउ प्रोसीड डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट क्वेश्चन नंबर 20 इज, क्वेश्चन नंबर 20 सेज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, टू मेक इट स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इट्स वेलासिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड, बच्चों इसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर स्केप करके चला जाए उसके लिए यहाँ पर इसकी जो वेलासिटी वो कितनी परसेंट इंक्रीज करानी पड़ेगी, ये सवाल हमसे पूछा गया है, समझिए इसको, इसका सलूशन मैंने यहाँ दिया हुआ है, बच्चों जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल वेलासिटी से, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलासिटी का इक्वेशन होगा, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से ऑर्बिटल वेलासिटी को बढ़ाकर हम स्केप वेलासिटी के बराबर ला दें तो बच्चों वो सैटेलाइट ऑर्बिट को छोड़कर स्केप कर जाएगा। अच्छा देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन आ सकता है, देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं दिस एंड दिस, देन वी विल गेट हियर VE यानी स्केप वेलासिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलासिटी, स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स इन द सेंस 1.414 टाइम्स ऑफ VO, बच्चों इस प्रकार से इसको जरा हम रीअरेंज करते हैं तो 1.414 को मैं लिख सकता हूं, 1.414 VO को मैं लिख सकता हूं VO प्लस ऑफ 0.414 VO, O stands for orbital velocity. Now, अगर मैं किसी भी तरह से इतनी velocity तो satellite के पास already थी, अगर किसी भी प्रकार से मैं velocity को इतना और बढ़ा दूं तो overall velocity escape velocity के बराबर आ जाएगी और वो जो हमारा satellite था वो orbit को छोड़कर escape कर जाएगा, और इस तरह से अगर हम increment देखें तो इतना करना पड़ेगा, percentage increment अगर देखेंगे तो this much divided by original divide multiplied by 100, सब मिला जुला के VO VO कैंसिल होने के बाद हमको इतना मिलेगा 0.414 into 100 यानी कि 41.4% यहाँ हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 सेज द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पीरियड ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें बच्चों आप लोग देखिए ऑप्शन ए में कहा मास ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के मास पर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ द प्लेनेट उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मास ऑफ सैटेलाइट, यस मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर बच्चों यहाँ पर ऑर्बिटल वेलासिटी या स्केप वेलासिटी डिपेंड नहीं करता है, बच्चों ध्यान रहे यहाँ पर ऑर्बिटल वेलासिटी पूछा यही गया है कि किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑप्शन सी यहाँ के लिए करेक्ट च्वाइस होगा, सैटेलाइट के मास के ऊपर ऑर्बिटल वेलासिटी डिपेंड नहीं करता बल्कि उस प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों जिस प्लेनेट के चारों तरफ वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22,
Question number 22 says here, a satellite moves around the planet in a circular orbit of radius small r with speed v. If mass of satellite is capital M, its total energy will be. बच्चों टोटल एनर्जी जो होता है, एक वेल नोन फैक्ट है सैटेलाइट का, जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो होता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट निगेटिव होता है, तभी तो सैटेलाइट प्लेनेट से बंधा हुआ रहता है निगेटिव एनर्जी होने के कारण। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दी सेंस काइनेटिक एनर्जी विथ निगेटिव साइन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट कैसा होगा, निगेटिव। तो वैल्यू वाइज आ जाएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान रहे आप लोग ये मत सोचिएगा ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो है लेकिन निगेटिव है क्योंकि ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन ये वुड बी करेक्ट चॉइस एज पर दी गिवन ऑप्शंस, आप देख सकते हैं करेक्ट चॉइस यहाँ पर ऑप्शन ये आएगा। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेज हियर, टू सैटेलाइट ए एंड बी गो राउंड ए प्लेनेट पी इन सर्क्यूलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई 4r and r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, the speed of the satellite B will be. Satellite B की स्पीड क्या होगी? बच्चों दो सैटेलाइट हैं जिनका नाम दिया गया है A और B। दो सैटेलाइट यहाँ के अंदर है, उनके नाम को A और B रखा गया है। कोई प्लेनेट P है, उसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहे हैं। बच्चों यहाँ के अंदर रेडियस आप उनका जो है ऑर्बिट का वो 4r और r दिया गया है। सैटेलाइट ये की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो बताया गया 3v है, तो बी की ऑर्बिटल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है क्या होगा। दैट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी सैटेलाइट के लिए जो होता है बाई फार्मूला इतना आता है। ये तो दोनों के लिए मास वगैरह सेम दिया गया है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास सेम का मतलब प्लेनेट जिसके तरफ जिसके चारों तरफ दोनों सैटेलाइट रिवॉल्व करें वो सेम है, तो एम ई की वैल्यू या एम पी की वैल्यू लिखना चाहिए था मुझे, सेम ही आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में आप रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट, और इस तरह से आफ्टर कंपेयरिंग विल गेट हियर वी ओ वन डिवाइडेड बाई वी ओ टू, इन दी सेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड सैटेलाइट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर टू बाई आर वन। एज पर दी गिवन डेटा आर टू इज इक्वल टू आर एंड आर वन इज इक्वल टू फोर आर। आफ्टर बींग सॉल्व वी विल गेट आंसर हियर वन बाई टू एंड वन बाई टू वी ओ वन। इसकी वैल्यू अगर देखें तो सवाल के अंदर थ्री वी दिया है, वी ओ टू पूछा गया क्या है। बच्चों इस पूरे को सॉल्व करेंगे, वी ओ टू की वैल्यू 6v के बराबर आएगा, और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा वो आएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन वाइज करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज एन एस्ट्रॉयड ऑफ मास यम इज अप्रोचिंग द अर्थ इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 आर ई विथ स्पीड वी वन। इफ इट हिट्स द अर्थ विथ ये स्पीड वी एफ इन दी सेंस फाइनल स्पीड, ये वी वन नहीं बच्चों वी आई होना चाहिए था, इनिशियल स्पीड है। आर ई एंड यम ई आर द रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ, देन कोई एस्ट्रॉयड है जो अर्थ की तरफ आ रहा है और कितनी दूरी पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस मच 10 आर ई के दूरी पर है, अर्थ के सेंटर से इतनी दूरी पर रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के अंदर बच्चों कहा गया है कि उसकी स्पीड जो है उस समय वी आई होना चाहिए था, वी आई है, तो यहाँ के अंदर जब वो अर्थ को हिट कर रहा तो उसकी स्पीड जो है वी एफ है, तो बताइए यहाँ पर क्या रिलेशन इनके बीच में बनेगा। ये गिवन ऑप्शन है, नीचे गिवन ऑप्शन ये सब दिए गए हैं, देखते हैं क्या सही जा रहा है, चलते हैं सॉल्व करने का इसको प्रयास करेंगे। बच्चों यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा सबसे पहले, ये देखिए यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। शुरुआत में एस्ट्रॉयड बहुत दूर है और यहाँ पर अर्थ है, कुछ समय बाद जाके वो टकरा रहा है, तो शुरुआती क्षणों में टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल जब टकराते समय टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम की सेम होगी, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहा है। बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं अगर देखूं तो मैं कहूंगा पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में इक्वल टू पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में प्लस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल केस में।
Now, after putting the value sigma ki, ये हो जाएगा half m vi का square, और यहाँ के अंदर बच्चों देखिए सिग्मा के आई का मतलब इनिशियल केस में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एक तो एस्ट्रॉइड का है, दूसरा किसका है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का होगा माइनस जी यम एम ई डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर 10 टाइम्स ऑफ आर ई, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। और फाइनल कंडीशन में बच्चों जो एस्ट्रॉयड है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ के अंदर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इस समय हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई, क्योंकि अब एस्ट्रॉयड लगभग लगभग टच करने के कंडीशन में अर्थ सरफेस से, दोनों के बीच की दूरी अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी। नाउ ये पूरा सिचुएशन सॉल्व किया जाए बच्चों, तो एक चीज मुझे देखने को मिलेगा कि अर्थ की जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी, और ये इस तरह का कोई एक इक्वेशन मिलेगा, इस तरह का एक इक्वेशन मिलेगा। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूं देन वी विल गेट द आंसर वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू वी इनिशियल स्क्वायर प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन अपॉन टेन। और इस तरह से अगर मैं ऑप्शन की तलाश में जाऊं तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो ऑप्शन सी मिलेगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस ओवर हियर। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज, क्वेश्चन नंबर 25 सेज ये सैटेलाइट, माफ करिएगा, ये सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी ई के इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ इन सर्क्यूलर ऑर्बिट। अगेन कि क्वेश्चन इज ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है बच्चों कहाँ के, अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ है सैटेलाइट उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको रिवॉल्व कर लेने दीजिए। यहाँ के अंदर कह रहा हाउ मच मोर काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन टू इट दैट इट मे जस्ट स्केप इनटू द आउटर स्पेस, कह रहा उसको उसकी एनर्जी जो पहले से थी वो ईके के बराबर थी काइनेटिक एनर्जी, कह रहा कितनी काइनेटिक एनर्जी और दे दें कि वो ऑर्बिट को छोड़कर स्पेस में स्केप कर जाए। देखते हैं, देखते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की जो ऑलरेडी दिया गया है सवाल के अंदर, काइनेटिक एनर्जी जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है वो ई के से मेंशन किया गया है, जो कि होगा हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, वी ओ इन द सेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर इस तरह से मेंशन किया गया है काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्केपिंग, स्केपिंग के लिए उस समय जब हमारा सैटेलाइट स्केप करने कंडीशन में आएगा तो उस समय वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, और इस तरह से जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इंटू वी ई का स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ के अंदर वी ई की जो वैल्यू है, वी ई की जो वैल्यू है, देखिए के डैश विल बी इक्वल टू हाफ एम वी ई का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। और वी ई और वी ओ में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, अगर मैं इस वी ई की वैल्यू को इसमें रखूंगा तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा बच्चों। इसको हम अगर सॉल्व करते जाएं तो सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ ऐसा कंडीशन मिलेगा, स्केप करने के लिए ओवरऑल रिक्वायर्ड जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी वो बच्चों आ जाएगी के डैश इक्वल टू m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिखें हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। बच्चों इसको उसने ई के दिया था, ये ऑलरेडी इसके पास था, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए वो भी ई के बराबर ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना ई के बराबर है तो ये भी उतना ही है, मतलब ये भी ई के बराबर होगा। तो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी था सैटेलाइट के पास ऑलरेडी था, और इतना रिक्वायर्ड होगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर और दे दिया जाए तो वो सैटेलाइट ऑर्बिट को छोड़कर स्पेस में स्केप कर जाएगा, और इस लिहाज से जो यहाँ पर बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमको मिलेगा वो होगा ऑप्शन ए। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सेज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, माफ करिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चों वो सैटेलाइट है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी रहता है, और इसके बारे में कई चीजें होती हैं। यहां पर कहा गया है कि क्या सही है क्या गलत है, देखते हैं।
पालाकरा फॉल्स विथ एक्सीलेशन जी ड्यू टू टूवर्ड्स द अर्थ, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर जो बच्चों यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन लगता है वो अर्थ के द्वारा ही लगाया जाता है और हमेशा अर्थ की ओर फॉल डाउन होने होता हुआ माना जाएगा। यानी कि अब आप कहोगे अर्थ की तरफ फॉल डाउन कहाँ हो रहा है, मान लो ये सैटेलाइट है, मैं इसे दिखाता हूँ। मान लीजिए बच्चों ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऊपर सैटेलाइट चल रहा, तो कहोगे फॉल कहाँ हो रहा, अर्थ के ऊपर। नहीं सर, अगर अर्थ के ऊपर फॉल नहीं होता तो ये सैटेलाइट ऐसे जा रहा तो ऐसे निकल जाता, यहाँ जाने की बजाय ये यहाँ आ गया। माफ करिएगा मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ जाने की बजाय ये यहाँ क्यों आया, अर्थ की तरफ फॉल ही हुआ। अगर फॉल ना होता तो ऐसे निकल जाता, यहाँ जाने की बजाय वो यहाँ क्यों आया, इट मीन्स वो अर्थ की तरफ हर पॉइंट पे फॉल डाउन हो रहा है। ठीक है, हैज पीरियड ऑफ 24 आवर्स, बिल्कुल अर्थ के रेस्पेक्ट में बच्चों स्टेशनरी तभी प्रतीत होगा जब उसका टाइम पीरियड अर्थ के स्वयं के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर हो। खुद के एक्सिस के अबाउट जो अर्थ रोटेट करता है उसके टाइम पीरियड के बराबर अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा तभी वो स्टेशनरी प्रतीत होगा। और इसको लॉन्च किया जाता है बच्चों इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ के अंदर ये चारों बातें करेक्ट हो गई और ऑप्शन जो यहाँ करेक्ट मिला वो हो गया ऑप्शन डी। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज टू सैटेलाइट्स ए एंड बी गो राउंड ए प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई 4R and R रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3V देन द स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी। बच्चों ये क्वेश्चन अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग इसके पहले एक बार कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा 6V। बच्चों यहाँ जस्ट कंपेयर करना होगा और बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में आर, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं प्रीवियसली, इसलिए छोड़ रहे हैं। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 ये था, नाउ 28 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 28 सेज द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉलियम रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटलियम टू ट्रांसफर इट फ्रॉम सर्क्यूलर ऑर्बिट R1 टू अनदर ऑफ रेडियस R2। बच्चों कह रहा कि R2 ग्रेटर देन R1 वो भी दिया है, कह रहा कि कोई सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेके जाना है, तो बताइए कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। यानी दोनों सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है अगर मैं अंतर दोनों का निकाल लूँ तो बच्चों उतनी ही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी की जरूरत यहाँ पर पड़नी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर बच्चों इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होगा, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी दी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द टू सिचुएशंस, इन द टू सिचुएशंस। बच्चों यानी कि एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल सिचुएशन एंड इन द इनिशियल सिचुएशन। बच्चों अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो जवाब हमको मिलेगा वैसे फाइनल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इतना और इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इतना, यहाँ वी वो फाइनल का स्क्वायर यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू का स्क्वायर है और यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू का स्क्वायर है। इसको पूरा सॉल्व करें हाफ एम कॉमन हो जाएगा और वीओ की वैल्यू रखने के बाद बच्चों दोनों कंडीशन में जो जो भी वीओ की स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको अगर मैं रखूँ तो कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर सिचुएशन दिखेगा। इस तरह का जी एम कॉमन हो जाएगा, जी कैपिटल एम कॉमन करने के बाद हमको ऐसा कुछ मिलेगा। और इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शन की ओर देखूँ तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा बच्चों, देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का बच्चों जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के स्वयं के एक्सिस का जो स्वयं के एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन अर्थ करता है उसमें जो टाइम पीरियड होता है उसके बराबर होता, जो कि वो 1 डे के बराबर होगा 24 आवर्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन बी। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों हमसे कह रहा है
rocket are launched in the eastward direction to take advantage of. Eastward direction में rocket को क्यों launch किया जाता है? बच्चों इसका कारण यही है कि यहाँ पर earth के rotation का फायदा मिल जाता है. Earth के rotation का फायदा यहाँ पर मिल जाता है. Advantage होगा earth rotation. ठीक है, याद रखिएगा. यहाँ पर बच्चों अगले question पे बढ़ते हैं. अगला question हमारा क्या कह रहा है? बच्चों अगले क्वेश्चन में कहा गया पिक आउट मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्थ सैटेलाइट. अर्थ सैटेलाइट के रेफरेंस में क्या यहां पर सही चीज है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग. अगला कह रहा पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन. इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बिलोंग्स टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड डी ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि यहां पर बच्चों पोलर सैटेलाइट्स आर एट ए हाइट ऑफ दिस मच. बच्चों ये पोलर सैटेलाइट के लिए हाइट नहीं होती, ये जियो स्टेशनरी के लिए होती है. बाकी यहां पर ये ऑप्शन को अगर देखें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन, नहीं सर टेली कम्युनिकेशन के लिए पोलर सैटेलाइट नहीं, बल्कि यहां पर टेली कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है. तो बच्चों यहां के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बिलोंग्स टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. बिल्कुल ये बात सही है, ये मैन मेड सैटेलाइट है जो कि इनसेट सीरीज है. बच्चों कई देशों ने उसको लॉन्च किया है. ठीक है, तो यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ये बच्चों बिलोंग करते हैं. ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 सेज द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ मून ऑफ प्लेनेट ऑफ मार्स. मार्स जिसका कि मास कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट में है, रिलेटेड टू द ऑर्बिटल रेडियस. तो बच्चों यहाँ पर सवाल ये कहा गया है कि मार्स का कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है. मार्स प्लेनेट, इसका मास एम दिया गया है, इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट चल रहा है. तो कहा इस सैटेलाइट का जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ चलने वाले सैटेलाइट का पूछा गया है कि ये जो टाइम पीरियड होगा वो इसके रेडियस पर कैसे डिपेंड करेगा. ऑर्बिटल रेडियस यहाँ पर आर है, ये पूरी दूरी आर है इसके सेंटर से. बच्चों इस पर कैसे डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, चलते हैं चेक करते हैं. बच्चों एक कंप्लीट साइकिल की बात कर ले पहले, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होगा चलिए देखते हैं. एक कंप्लीट साइकिल, ये सैटेलाइट चल रहा है, यहां पर मार्स है, इसका मास है कैपिटलियम स्मॉलियम. बच्चों यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इक्वेशन लगा दें. डिस्टेंस इन दी सेंस 2 पाई आर, स्पीड इन दी सेंस वी ओ, टाइम पीरियड इन दी सेंस कैपिटल टी. 2 पाई आर, वी ओ के जगह बच्चों हम इतना लिख देते हैं और टाइम पीरियड के जगह पर इतना लिख देते हैं. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करने जाएं तो सॉल्व करने के लिए हम लोग आंसर लाने के लिए यहाँ एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें. तो लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे, इससे पहले आपने देखा है लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा टी स्क्वायर. बच्चों यहाँ इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब, और ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा. तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बना, दिस वन. यहाँ फाइनल इक्वेशन हमारा जो आया बच्चों वो कुछ ऐसे हो गया, और यही हमसे पूछा गया है कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंडेंस दिखाएगा. और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन ये वुड बी दी करेक्ट चॉइस. नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है ध्यान से देखते हैं. ये प्लेनेट मूविंग एलॉन्ग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट डिस्टेंस आर वन. जब वो प्लेनेट सन के सबसे करीब होता है तो डिस्टेंस आर वन पर होगा, मतलब पेरिजी पर रहा होगा. एंड फार्थेस्ट अवे एट डिस्टेंस आर टू, बहुत अच्छी बात है. और जब सन से सबसे ज्यादा दूरी पर प्लेनेट होता है तो उस दूरी को आर टू बताया गया है, यानी मिनिमम डिस्टेंस आर वन है और मैक्सिमम डिस्टेंस आर टू है. तो यहाँ के अंदर कहा गया V1 और V2 अगर वहां पर लीनियर वेलासिटीज रहे हों तो बताइए यहाँ पर V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है. इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लेनेट बच्चों चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कभी वो अपने फार्देस्ट पॉइंट पर होगा सन से, कभी वो नियरेस्ट पॉइंट पर होगा, और ऐसे कंडीशन में J1 इक्वल टू J2 होगा. यहाँ के अंदर M R1 V1
J1 J2 का मतलब एंगुलर मोमेंटम दोनों परिस्थितियों में सेम रहेगा। पहले परिस्थिति में देखें बच्चों यहाँ पर कहीं पर, तो ये हो जाएगा m r1 v1, और दूसरे परिस्थिति में m r2 v2। m अगर दोनों साइड से मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ के अंदर बचेगा v1 upon v2 = r2 upon r1, और इस लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सेज इफ वीई एंड वीओ रिप्रेजेंट द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, देन बच्चों यहां पर इन दोनों में रिलेशन पूछा गया क्या होगा। कोई सैटेलाइट है उसका जो एस्केप वेलोसिटी वीई है और ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ है, और यहां पर जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो दोनों चल रहे हैं उसका चल रहा है सैटेलाइट, उसका रेडियस आर है, तो उसके एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया है क्या होगा। बच्चों रिलेशन हमारा कुछ ऐसे आएगा, यहां पर वेल नोन फैक्ट है अगर दोनों इक्वेशन लिख के डिवाइड करें तो हमारा इक्वेशन बनता है v = √2 × vo, और इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। यहाँ एक मिसप्रिंटिंग है बच्चों, ये जो ऑप्शन बी दिया है ये √2 और vo उससे बाहर होना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा √2 vo इज इक्वल टू ve, ऐसे रहेगा। यहाँ पर वो थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों कहा गया है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैज ये टोटल एनर्जी E0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, तो टोटल एनर्जी अगर E0 है, टोटल एनर्जी अगर बच्चों E0 है तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो वो भी E0 होता, पॉजिटिव में होता, टोटल नेगेटिव में होगा, और यहाँ पर टोटल एनर्जी E0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना होगा बच्चों यहाँ के अंदर। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। अब ये जो भी है उसी तरह से ये होगा, 2 गुना होगा टोटल एनर्जी का और निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव में क्योंकि ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सेज व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ऑफ मास कैपिटल m एंड रेडियस कैपिटल r इन ए सर्क्यूलर ऑर्बिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। बच्चों यहां पर सवाल कुछ ऐसे बोला गया, ध्यान से समझिए। ये हमारा है धरती मैया का सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस, आपको दिख रहा होगा अर्थ के सरफेस से ये पूछा गया है, ये अर्थ का सरफेस है यहाँ कहीं दिस वन, और इस अर्थ का रेडियस आर है, इस अर्थ का रेडियस बच्चों आर है। कह रहा है यहाँ से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है और इसके सरफेस से जो ऑर्बिट की दूरी है वो 2r है, यहाँ पर लॉन्च करना लाके, तो पहले तो सैटेलाइट तो को यहाँ तक पहुँचाया जाए फिर लॉन्च किया जाए। तो कह रहा कितने मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होगी, मिनिमम एनर्जी मतलब कितने काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, उससे हमें फेंकना पड़ेगा उसको, तब जाके उसको लॉन्च हम कर पाएंगे, प्रोजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी कि ये लॉन्चिंग हम कर पाएं। तो इस केस में हम लोग लगा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल केस में प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में, ये पूरे सिस्टम के लिए सेम होगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी इन द सेंस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पहले केस में हो जाएगा -g(M)r। काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू सैटेलाइट के काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू प्लस यहां होना चाहिए था अर्थ की काइनेटिक एनर्जी, बट अगर लिखेंगे भी तो अर्थ की काइनेटिक एनर्जी इधर भी आएगी और कैंसिल हो जाएगी, तो इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लीजिए इसको हटा देता हूँ। फाइनल केस में जब लॉन्चिंग के पोजीशन में पहुंचता है सैटेलाइट तो उस समय जरा देखिए क्या होगा, जब लॉन्चिंग के कंडीशन में सैटेलाइट पहुंचता है तो उस समय उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों वो कुछ इतना हो जाएगा, यहाँ पर जो सेंटर टू सेंटर की दूरी है 3r हो चुकी होगी, और वहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का
पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों हाफ होता है और पॉजिटिव होता है, तो इसके लिहाज से मैंने ऐसे डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक, अब आगे बढ़ें और के आई को अगर मैं कैलकुलेट करूं बच्चों, तो के आई की वैल्यू सब कुछ मिला जुला करके आफ्टर बीइंग कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करने के बाद बच्चों के आई की जो वैल्यू यहां के अंदर मुझे मिलेगी वो इतने के बराबर मिलेगी, 5/6 जी कैपिटल एम एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च दी सैटेलाइट, यहाँ पर ये होगा 5/6 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। तो इसके लिहाज से अगर करेक्ट ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन यहाँ के अंदर मिलेगा ये, ऑप्शन ये यहाँ पर होगा। करेक्ट ऑप्शन की ओर एक बार देखते हैं, यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ये करेक्ट होगा, यहाँ पर 6R थोड़ा सा कट गया है पेस्ट करते समय, यहाँ पर 6R होना चाहिए था। ठीक है, चलो ऑप्शन ये विल बी दी करेक्ट चॉइस। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस ट्वाइस दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। कोई प्लेनेट का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, किसी प्लेनेट का जो रेडियस है वो दो गुना है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में। बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी, यानी दोनों की जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो सेम है। इफ वी पी एंड वी ई आर द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ द प्लेनेट एंड द अर्थ रेस्पेक्टिवली देन, तो बच्चों ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, देखो एस्केप वेलोसिटी के लिए जो यहाँ जनरलाइज्ड इक्वेशन है वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर जी एम पी की जगह मैं लिख दूँ जी पी आर पी का स्क्वायर, और इस पूरे को मैं बैलेंस करता हूँ तो बच्चों जो एस्केप वेलोसिटी किसी प्लेनेट के सरफेस से हमको मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। जी पी की वैल्यू बाई फार्मूला इतना होता है, इस जी पी की वैल्यू को मैं यहाँ रखने के बाद देखता हूँ क्या मिलेगा, वो पूरी वैल्यू जब मैं यहाँ के अंदर रखता हूँ बच्चों तो एस्केप वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो सब कुछ मिला जुला कर अल्टीमेटली मुझे ये मिल रहा होता है। और यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद जी कांस्टेंट रो डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, और बच्चों यहाँ पर पाई सेम होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर पी। और इस तरह से एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब मैं तुलना करता हूँ, कंपेयर करता हूँ अर्थ से, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। एस्केप वेलोसिटी अर्थ से वी और प्लेनेट से वी पी, रेडियस ऑफ अर्थ आर और यहाँ पर प्लेनेट का 2R, तो ये हो गया 1/2। चलो यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से प्लेनेट के ऊपर से जो एस्केप कराने के लिए वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वो दो गुनी होगी एस्केप वेलोसिटी जो कि अर्थ से रिक्वायर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वीपी इक्वल टू 2V, दैट मींस ऑप्शन बी, ऑप्शन के लिहाज से ऑप्शन बी यहां करेक्ट आएगा। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर है, देखिए ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें कहा गया है ये प्लेनेट ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी एज ऑफ अर्थ। मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, लेकिन उस प्लेनेट का रेडियस जो है अर्थ के कंपेरिजन में 1/10 है, यानी छोटा प्लेनेट है। साइंटिस्ट्स डिग ये वेल ऑफ रेडियस ऑफ डेप्थ R/5 ऑन इट एंड लोअर ये वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 10^-3 किलोग्राम पर मीटर इन टू इट। इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनी वेयर द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाई द पर्सन होल्डिंग इट इन प्लेस इज, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच 6×10^6 मीटर एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 10 m/s². बच्चों समझिए सवाल कह क्या रहा है, कह रहा कोई एक प्लेनेट है जिसका रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस का 1/10 है, उसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने एक वेल एक कुआं बनाया है जिसकी गहराई जो है वो R/5 है, यानी प्लेनेट के रेडियस का 5 उतना है।
कह रहा उसके अंदर एक कोई रस्सी या कोई चेन ऐसे लटकाया गया है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी दी गई है। तो सवाल में ये कहा गया है कि उसको होल्ड किए रखने के लिए, यहाँ ऊपर से उसको होल्ड किए रखने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी कि उसको हम खींच पाए। बच्चों यहाँ पर जितने फोर्स की आवश्यकता होगी वो इस रस्सी के या इस चेन के या जो भी है रोप के वेट के बराबर होगा, यानी अगर हम इसका वेट निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, वेट के लिए हम एम इंटू जी करते, अगर जी कांस्टेंट होता, बच्चों गहराई में ज्यों ज्यों जाते हैं गहराई में प्लेनेट के ज्यों ज्यों हम जाएंगे जी की वैल्यू लगातार घटती जाएगी, यानी वेट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट एम इंटू जी नहीं कर सकते। इसके लिए काम करते हैं, जो रस्सी यहाँ के अंदर बच्चों लटक रहा है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ के अंदर बच्चों दिखाने के बाद मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ जिसकी दूरी यहाँ पर, जिसका लेंथ डी आर है और जिसका मास डी एम है, यहाँ पर उसका जो वेट होगा डी डब्ल्यू और उस डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी डी एम इंटू जी डैश। चलो अच्छी बात है, जी डैश कितनी गहराई में ये है, ये कितनी गहराई में लिया गया है, सपोज करिए ये आर गहराई पे है, सरफेस से इस टुकड़े की गहराई मान लीजिए आर है, तो बच्चों मैं यहाँ देखूंगा डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी। ध्यान से देखिए, डी डब्ल्यू की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आ जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा डी आर इंटू जी डैश, और जी डैश के जगह पर जी डैश क्यों लिखा मैंने, क्यों नहीं जी लिखा, क्योंकि उतने गहराई में जाने के बाद जी की वैल्यू बदल गई होगी और जी डैश की वैल्यू यानी प्लेनेट के सरफेस के अंदर जी की वैल्यू होगी, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लेनेट के अंदर जी एट द प्लेनेट सरफेस मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर पी। जनरल कंडीशन में हम यहाँ एच लिखते हैं लेकिन स्मॉल आर यहाँ लिखेंगे क्योंकि मुझे उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा आगे। अब बच्चों टोटल वेट अगर हमें चाहिए है, टोटल कितना वेट होगा, तो दोनों साइड को क्या करने, इंटीग्रेट करने, इंटीग्रेट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा डब्ल्यू। देखते हैं आगे, यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें मिलेगा, जो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा, देखिए ये रहा डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया डब्ल्यू और लैम्डा जीपी बाहर आ गया था, बाकी बचे हुए पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ आर कहाँ से कहाँ तक है, सरफेस से शुरू हुआ और कितनी गहराई तक आया, आर बाई फाइव तक, तो जीरो से आर बाई फाइव तक का यहाँ पर रेंज लिया गया है। और बच्चों जब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा आर और आर का इंटीग्रेशन आ जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू आर पी बाई फाइव, प्लेनेट का रेडियस बाई फाइव। बच्चों यहाँ के अंदर इस पूरे को हम लिमिट को पुट करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए, सॉल्व करने के बाद हमको अल्टीमेटली ये वाला इक्वेशन मिलेगा, दिस वन, जी पी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट एंड यहाँ पर आ गया 9 RP/50। अब देखो ये जो जी पी होगा ना बच्चों, अगर मास डेंसिटी वगैरह डेंसिटी सेम रखा जाए तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसी प्लेनेट का उस प्लेनेट के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जिस प्लेनेट की हम बात करें उस प्लेनेट का रेडियस आर बाई टेन है, अर्थ के रेस्पेक्ट का, अर्थ के रेडियस का 1/10 है, इसलिए उस प्लेनेट के ऊपर जो जी पी की वैल्यू होगी वो अर्थ के ऊपर जी का क्या होगा, जी बाई टेन होगा, इसलिए जी पी की जगह हमने क्या रख दिया, जी बाई टेन, और यहाँ पर आर पी की वैल्यू मैंने रख दी जो भी यहाँ पर है, और पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ पर डब्ल्यू यानी पूरा जो वेट यहाँ के अंदर होगा उस रस्सी का होगा 108 न्यूटन, मींस उस रस्सी को या उस रोप को या उस चेन को होल्ड किए रखने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स की आवश्यकता होगी ऊपर से वो होगी 108 न्यूटन, 108 न्यूटन के फोर्स की आवश्यकता वहां के अंदर होगी। और इस तरह से अगर ऑप्शन वाइज देखें तो यहां पर इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन जो हमको मिलेगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 सेज हियर, ये सैटेलाइट यस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इफ मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ के अंदर क्या होगा। सवाल पूछा है कि अगर सैटेलाइट का मास प्लेनेट के मास यानी अर्थ के मास के कंपेरिजन में बहुत कम हो तो आप बताइए यहाँ पर क्या सही है। चार ऑप्शन है, देखते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ यस, यस स्टैंड फॉर सैटेलाइट, एक्सीलरेशन ऑफ यस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। चलो
यहाँ पर ये बात तो सही होगा, क्योंकि जो एक्सीलरेशन होगा बच्चों सेंट्रीपेटल होगा, और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन अगर है तो पक्की सी बात है अगर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है तो वो सेंटर आप अर्थ की तरफ ही रहेगा। तो पहला सही हो गया, सही तो खोजना था, पहला सही निकल गया, बाकी गलत होंगे चेक कर लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ यस यस फॉर सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कॉन्स्टेंट। सर एंगुलर मोमेंटम दोनों में कॉन्स्टेंट होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में, क्योंकि यहाँ पर टार्क की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ के अबाउट जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये बात गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दी यस यस स्टैंड फॉर सैटेलाइट वेरीज पीरियाडिकली विद टाइम। नहीं सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा ना बच्चों वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए बात गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम ऑफ यस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लीनियर मोमेंटम नहीं सर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, लीनियर मोमेंटम को कह रहा है कि सैटेलाइट का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है मैग्नीट्यूड में। अच्छा, तो ये भी बात सही हो रहा है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में अगर कौन से ऑर्बिट पे चले बच्चों, अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे चलता तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता, बात सही है, लेकिन यहाँ इलिप्टिकल पे चल रहा है, यहाँ लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ सब कुछ मिला जुला के ये गलत ये गलत ये गलत। करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर आएगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बच्चों कहा गया है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट दिस मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों कोई सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है, बीच में कहीं अर्थ होगा, इस तरह से घूम रहा है, और कौन से ऑर्बिट पर, सर्कुलर ऑर्बिट पर, जिसका रेडियस और हाइट दिया है कहां से, अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट दी गई है इतनी, और अर्थ का रेडियस दिया गया है इतना, जी की वैल्यू इतनी, देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, किसी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा बाई फार्मूला आता है स्क्वायर रूट के अंदर जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच। आर ई को मैं ऊपर नीचे से कॉमन करता हूँ, एक आर ई कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अगर हम सभी चीज़ों की वैल्यू जिसमें इस क्वेश्चन में दिया गया है उन सभी चीज़ों की प्रॉपर वैल्यू रखकर एक्यूरेटली मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ सब कुछ मिला जुला के हमारा जो आंसर मिलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ के अंदर होगी 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनरल टॉपिक, सम क्वेश्चन विल बी मिक्स्ड फ्रॉम केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड अदर लॉज रिगार्डिंग ग्रेविटेशन। तो ये जो जनरल टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं बच्चों उनको हम लोग अगले लेक्चर में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, आज के लिए यहाँ तक। आप लोगों से मेरा सलाह है बहुत ईमानदारी से आप लोग बच्चों मेहनत करते रहिए, अदरवाइज ये समय वापस नहीं आएगा। बहुत अच्छा पढ़ने का मौका है, आप लोग अपने घरों में हैं जहाँ भी हैं, आप लोग शांतपूर्वक हैं, कहीं आना जाना नहीं है, तो इस समय का सदुपयोग करके आप लोग अपनी कमियों को दूर करने में लगाइए, आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे और आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग जो कमी है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आई होप आप लोग मैं जो कह रहा हूँ उसको पॉजिटिवली लेंगे और आगे अच्छे से प्रोसीड करेंगे। थैंक यू बेटा।